हाय फ्रेंड, हमारे हाथ में ये वीवो वाई 55S मॉडल नंबर 1610 देख रहे हैं। ये चार्जिंग प्रॉब्लम के लिए आया है, इसे मैं सोल्व करने की इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और बहुत आसानी तरीके से मैं इस वीडियो में बताऊँगा, जिससे आप हर चार्जिंग पॉइंट के सारे पॉइंट का जम्पर आराम से आप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इसे। फ्रेंड आप ध्यान से देखिए। हाँ फ्रेंड, हमारे चैनल पे सिर्फ नॉलेजेबल की ही जानकारी मिलेगी, फुल लाइव प्रूफ और विश्वास के साथ। आपको किसी भी टॉपिक पे जानकारी चाहिए, बस आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आपका ये भाई पूरी कोशिश करेगा आपके लिए वीडियो बनाने की। मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी भी टेक्नोलॉजी से पीछे रहें, आपको भविष्य में कभी भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आप जानकारी रखते हैं तो खुद ही सामना कर पाएंगे। पहले मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ, ये चार्जिंग जैक यहाँ पे से उठाना है जम्पर, माइनस का जम्पर यहाँ पे आप खोज लीजिए, ग्राउंड का है, यहाँ पे माइनस का जम्पर करना है। बिल्कुल मैं खोज देता हूँ इसे माइनस का जम्पर करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राउंड है, मैं साफ कर दिया हूँ ग्राउंड का जम्पर करने के लिए। बिल्कुल आप साफ कर दीजिए। ये प्लस का जम्पर यहाँ करना है। ध्यान रखिए चार्जिंग जैक राइट साइड का जो पॉइंट होता है वो प्लस का है, लेफ्ट साइड का जो चार्जिंग जैक पॉइंट है वो माइनस का है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, 100% सॉल्व हो जाएगी ये प्रॉब्लम। सारे पॉइंट के जम्पर मैं करना बताऊंगा इस वीडियो में। अब स्टेप बाय स्टेप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, लास्ट में ऐसा पॉइंट मैं बताऊंगा जिससे वो पॉइंट को आप फॉलो करेंगे, सारे पॉइंट का जम्पर आसानी से बहुत आराम से आप उसे कर पाएंगे। चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं होगा, सिर्फ आप वीडियो देखते रहिए। यहाँ देख लीजिए, जो मैं चार्जिंग जैक में लगा रहा हूँ इसके अंदर, कंपनी का ओरिजिनल जो आता है इसका वो नहीं है, ये अलग चाइना में ये लगता है, आप लोगों ने देखा होगा, वही चार्जिंग पिन मैं इसके अंदर इंस्टॉल करने वाला हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए फ्रेंड, ये जो राइट साइड में पहला वाला फर्स्ट वाला पॉइंट है चार्जिंग जैक का, ये प्लस का है, लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट पॉइंट है ये माइनस का है। चार्जिंग के लिए दो पॉइंट काफ़ी होते हैं चलने के लिए, ये आराम से अच्छा वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा हैंडसेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दो जम्पर आप कर देंगे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, 100% सोल्व हो जाएगी, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, चार्जिंग अच्छे से वर्क करेगा। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, लेफ्ट साइड से जो पॉइंट है यहाँ से ग्राउंड में करना है, राइट साइड से जो डायबोर्ड दिख रहा है आपको, ये डायबोर्ड में करना है, जो मैं अभी करूँगा, बिल्कुल लाइव मैं सब कुछ बताऊँगा फ्रेंड, बिल्कुल हम वीडियो छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना, स्टेप बाय स्टेप देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहले पूरी वीडियो देखें तभी समझ में आएगा, आसानी से आप कर भी पाएंगे। बिल्कुल फ्रेंड, मैं ये ओरिजिनल तो ये है ही नहीं, जो कंपनी का इसके साथ में जो आता है, मैं ये चाइना वाला चार्जिंग जैक मैं इसके अंदर इंस्टॉल करने वाला हूँ, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी हैंडसेट में देखा होगा ये, आपके पास होगा भी, वही चार्जिंग जैक मैं इसके अंदर इंस्टॉल करूँगा। सिर्फ अभी मैं प्लस और माइनस का जम्पर ही करूँगा चार्जिंग के लिए। यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बनाए हुए, डायग्राम आप देख सकते हैं,
बहुत अच्छे से मैं डायग्राम बनाया हूँ अब प्लस माइनस का, ये आप देख के अपना आंसर कंप्लीट कर लीजिए। और पहले मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड, मैं इसके इस मोबाइल का आंसर का नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, वो लिंक पे क्लिक करके आप जाके आराम अच्छे से बहुत अच्छा हमारे साइट पे इसका डायग्राम बनाया हूँ, और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम होता है वहाँ भी मेरे से कमेंट कर सकते हैं, कह सकते हैं। बहुत अच्छे से बेहतरीन खूबसूरत मैंने डायग्राम बनाया है, आपको जाना चाहिए हमारे ब्लॉगर पे साइट पे और देखना चाहिए, आपको काफ़ी पसंद आएगा वो साइट। बहुत बेहतरीन मैंने इसका डायग्राम बना के रखा है पूरा कंप्लीट, कोई भी डाउट नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा वहाँ से। नीचे फर्स्ट नंबर पे मैं उसका लिंक दिया हूँ, लिंक पे क्लिक करके हमारे साइट पे इसी आंसर में पहुँच जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, मैं चेक कर रहा हूँ चार्जिंग, देख इसका यहाँ पे वर्क कर रहा है, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, चार्जिंग बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज है, ये काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी इसके लिए बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फिर भी उठा लिया, मैं तो सोच रहा था कि ये समय लगेगा उठाने में, पर सही तरीके से वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी ये, बिल्कुल इसी तरीके से आप भी कंप्लीट कर सकते हैं अपना आंसर। कोई प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो कमेंट नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊँगा, और सब पहली बात तो मैं आपके कमेंट का तुरंत जवाब दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा मैं हर कमेंट का मैं जवाब देता हूँ। आप लोग हमारे चैनल से आप जुड़े रहें सब, आपको हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत